उर्दू सीखने का ये वीडियो नंबर 93 है। फिर निजासते हुक्मिया, निजासते हुक्मिया, फिर निजासते हुक्मिया की दो किस्में हैं, दो किस्में हैं। फिर निजासते हुक्मिया की दो किस्में हैं, हद से असगर, हद से अकबर, हद से असगर, हद से अकबर। फिर निजासत हुक्मिया की दो किस्में हैं, हद से असगर, हद से अकबर। सवाल, हद से असगर से बदन कब पाक होगा? हद से असगर, असगर से बदन कब पाक होगा? हद से असगर से बदन कब पाक होगा? जवाब, जब आदमी वज़ू कर ले तो, जब आदमी वज़ू कर ले तो उसका बदन हद से असगर से पाक हो जाएगा। जब आदमी वज़ू कर ले तो उसका बदन हद से असगर से पाक हो जाएगा। जब आदमी वज़ू कर ले तो उसका बदन हद से असगर से पाक हो जाएगा। वज़ू का बयान। सवाल, वज़ू किसे कहते हैं? वज़ू किसे कहते हैं? वज़ू किसे कहते हैं? वज़ू किसे कहते हैं? जवाब, गट्टों समेत दोनों हाथ धोना, गट्टों समेत दोनों हाथ धोना, समेत दोनों हाथ धोना। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, नाक में पानी डालना, नाक में पानी डालना। मुँह धोना, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। सर का मसह करना और टखनों समेत दोनों पाँव धोना। सर का मसह करना और टखनों समेत दोनों पाँव धोना। इसका नाम वज़ू है, इसका नाम वज़ू है, जिसका तरीक़ा तुम नूरानी तालीम के हिस्सा 2 में पढ़ चुके हो। जिसका तरीक़ा तुम नूरानी तालीम के हिस्सा 2 में पढ़ चुके हो। गट्टों समेत दोनों हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, मुँह धोना, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, सर का मसह करना और टखनों समेत दोनों पाँव धोना। इसका नाम वज़ू है, जिसका तरीक़ा तुम नूरानी तालीम के हिस्सा 2 में पढ़ चुके हो। सवाल, क्या वज़ू में ये सब बातें ज़रूरी है? क्या वज़ू में यह सब बातें ज़रूरी है? क्या वज़ू में यह सब बातें ज़रूरी है? जवाब, नहीं, बल्कि सिर्फ़ बाज़ बातें ज़रूरी हैं जिन्हें फ़र्ज़ कहते हैं। नहीं, बल्कि सिर्फ़ बाज़ बातें ज़रूरी हैं जिन्हें फ़र्ज़ कहते हैं। नहीं, बल्कि सिर्फ़ बाज़ बातें ज़रूरी हैं जिन्हें फ़र्ज़ कहते हैं, उनके छूट जाने से वज़ू नहीं होता। उनके छूट जाने से वज़ू नहीं होता। और बाज़ बातें सुन्नत है जिनके छूट जाने से वज़ू हो जाता है। बाज़ बातें सुन्नत हैं जिन के छूट जाने से वज़ू हो जाता है मगर नाक़िस होता है। मगर नाक़िस होता है, नाक़िस होता है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।